ओम शांति। आज की तारीख है 6/1/23 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा कहते हैं, मीठे बच्चे क्रोध बहुत दुखदाई है। ये अपने को भी दुखी करता तो दूसरे को भी दुखी करता, इसलिए श्रीमत पर इन भूतों पर विजय प्राप्त करो। प्रश्न है, कल्प कल्प का दाग किन बच्चों पर लगता है, उनकी गति क्या होती है? उत्तर है, जो अपने को बहुत होशियार समझते श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, अंदर कोई न कोई विकार गुप्त व प्रत्यक्ष रूप में है, उसे निकालते नहीं, माया घेराव करती रहती है। ऐसे बच्चों पर कल्प कल्प का दाग लग जाता है, उन्हें फिर अंत में बहुत पछताना पड़ेगा, वह अपने को घाटा डालते हैं। गीत बजा है, आज अंधेरे में है हम इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। धारणा के लिए मुख्य सार के रूप में दो धारणा बिंदु। नंबर 1, सर्विसेबल बनने के लिए विकारों के अंश को भी समाप्त करना है, सर्विस के प्रति उछलते रहना है, यानी एक सेवा पूरी हुई न हुई दूसरा प्लान करें, दूसरी फिर तीसरी, परंतु हम करते रहें और वह भी उमंग और उत्साह के साथ। नंबर 2, हम ईश्वरीय संतान हैं, श्रीमत पर भारत को विष्णुपुरी बना रहे हैं, जहां सब पक्के वैष्णव होंगे, इस नशे में रहना है। वरदान सतगुरु शिव बाबा का, दुख के चक्करों से सदा मुक्त रहने और सबको मुक्त करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि जो बच्चे कर्मेंद्रियों के वश होकर कहते हैं कि आज आँख ने मुख ने व दृष्टि ने धोखा दे दिया, तो धोखा खाना अर्थात दुख की अनुभूति होना। दुनिया वाले कहते हैं कि हम चाहते तो नहीं थे लेकिन चक्कर में आ गए, लेकिन जो स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे हैं वो कभी भी किसी धोखे के चक्र में नहीं आ सकते, वह तो दुख के चक्करों से मुक्त रहने और सबको मुक्त करने वाले मालिक बन सर्व कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले हैं। स्लोगन है, अकाल तख्त नशीन बन अपनी श्रेष्ठ शान में रहो तो कभी भी परेशान नहीं होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।